मुंबई में पैदा होने के बावजूद ज़िंदगी में पहली बार मुझे ताजमहल देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये जो कजाकिस्तान की पावरलिफ्टिंग टीम है, जैसे शेंको है, इरीना है और मेरे बाजू में एक बेटी, उसका नाम नहीं पता, और उसके आगे जो है वो दोनों माँ बेटी है, ये रही, और उसके बाजू में जो है हमारे राज भाई बैठे हैं। तो ये सभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने, क्योंकि राज भाई जो है वो हमें दिल्ली से यहाँ तक लेके आए हैं, और गाड़ी जो है वहाँ पे हमने पार्क कर दी है पार्किंग में, और वहाँ से हमको ये बगी मिली, और ये बगी जो है यही आपको यहाँ अंदर तक लेके जाती है। पर पर्सन इंडियन टूरिस्ट की एंट्री जो है वो 50 रुपये है मात्र। एंट्रेंस के पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है और वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बगी हमें उतार देती है, और उसके बाद जो है ये हम अंदर आ गए। ये अल्ताफ भाई जो है ये हमारे गाइड हैं, और ये हम सबको समझाएंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा और जाने के बाद जब एक सेंटर आएगा कोर्टयार्ड, वहाँ से 4 गेट दिखेंगे, और उस जगह से आपको ताजमहल का एंट्रेंस दिखेगा। वो गेट पार करने के बाद वहाँ से 500 मीटर दूर जो है शानदार आलीशान ताजमहल खड़ा दिखेगा आपको। फाइनली हम कोर्टयार्ड पहुँच गए और गाइड हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। First, I would like to explain you this area, which is the courtyard of Taj Mahal. From here, we can see 4 gardens and 4 gates easily. 1, 2, 3, 4. 2 gates for entry. This is the common gate. Normal people, they come from here. This is VIP. Then Modi and all Tom Cruise. Next time, Patong is enter VIP. Okay? This is labor group, worker group. Families outside, 20,000 people. And now 17 generation and work Taj Mahal for government. This is main gate. So many stations. So Taj Mahal mein entry maar rahe hain. ताजमहल में एंटर करने के पहले ये गेट में से पास होना पड़ता है, और यहाँ से 500 मीटर दूर है ताजमहल। यहाँ पे जो भी आप कलर्स देख रहे हो वो स्टोन का कलर है। ये हमारे राज भाई हैं, ये कजाकिस्तान का गुरु। ये जो पत्थर है ये सभी इंपोर्टेड पत्थर दूर दूर दराज से आए हैं। यहाँ पे कलर काम कुछ भी नहीं किया है। अब सोचिए क्या दिमाग होगा, आर्किटेक्चरल स्किल्स क्या होगी कि इतनी सारी तराशी की हुई है मगर स्टोन के ऊपर स्टोन चिटका करके किसी को लगेगा कि ये पेंटिंग्स है, ये पेंट किया हुआ चीज़ है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और इतनी बारीकी से काम किया हुआ है, इतने सारे स्टोन को कटिंग कर करके उसको जोड़ना बहुत बड़ी बात है। सो फाइनली ये रहा ताजमहल जो शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनाया था, आज भी ये समय के साथ लड़ाई कर रहा है। ये जो जगह है वो ताजमहल का बैक साइड है। अब यहाँ पे भी जो तराशी की है ये पूरा का पूरा वाइट मकराना मार्बल यूज़ किया है। अराउंड 350 किलोमीटर दूर एक क्वारी थी, वहाँ से सभी मकराना मार्बल जो है वो प्रोक्योर किया गया है, और ये नीचे भी जो लगा है वो भी पत्थर है। ये बड़ी बड़ी मीनारत है वो भी मकराना मार्बल से बनी हुई। यमुना तट पर सदर्न बैंक पर ये लोकेटेड है खूबसूरत ताजमहल, आज भी समय से लड़ाई करता हुआ। जो साउथ से जो हवाएं आती हैं इतनी शीतल हवाएं हैं। देखिए मैं आपको अभी ना यमुना का तट दिखाता हूँ। यहाँ से ये रही यमुना नदी, और अब क्योंकि हवा उस तरफ से आ रही है और शाम के अराउंड अभी बजे हैं 4, इतना खूबसूरत वातावरण है। गर्मी से डेफिनेटली इजाद पाने का बेस्ट तरीका यहाँ पे बैठ करके आप आराम कीजिए, ठंडी हवा का आनंद लीजिए। आज के डेट में भी ताजमहल पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स चढ़े हुए हैं, वो शाइन करते हैं किसी एंगल से देखने पे। हमारी हिस्ट्री में तो बताया गया है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनने के बाद 20,000 लोगों के हार्ट काट दिए और उनको आजीवन काम न करना पड़े उतना पैसा दे दिया। अगर आप वो कारीगर होते तो क्या आप काम करते, और क्या आपको ये मुआवजा सही लगता, सोचिए एक बार। फॉरेनर्स के लिए जो ताजमहल की एंट्री फीस है वो 1100 रुपया पर हेड है, इंडियंस के लिए 50 रुपया, और जो गाइड है वो चार्ज करता है आदमी देख करके। जैसे हमको उसने 2500 रुपये चार्ज किया, हम लोग 6 लोग थे क्योंकि हमारे साथ फॉरेनर्स थे।
ताजमहल की यात्रा समाप्त हुई, बाहर जाने का समय आ रहा है। बट उससे पहले ये सामने जो है शहनशाह का गेस्ट हाउस हुआ करता था, यहाँ पे गेस्ट आते थे और रुकते थे इस जगह पर। ताजमहल देख लिया, अब वापस जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि रात को पकड़नी है प्लेन और इनको जाना है वापस कजाकिस्तान और मुझे जाना है वापस मुंबई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। दसविदानिया।